ये कहानी एक ऐसे बैट्समैन की जो बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहा था, हर दूसरे मैच में उसके 50 या 100 आ रहे थे, तो बहुत खुश था वो उस टाइम अपनी बैटिंग को लेकर। तो फिर वो अपनी नेचुरल बैटिंग कर रहा था, उसी तरह उसके बैट पर बहुत अच्छी बॉल आ रही थी। तो फिर प्लेयर आकर एक बोला कि भाई तेरा पैर ड्राइव करते हुए अच्छा नहीं निकल रहा है, पैर अपना सही कर। तो उसने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर उसने सोचा कि मुझे अपने फुटवर्क पे बहुत काम करना पड़ेगा। उसी दिन से उसने ड्रिल स्टार्ट की और उसके बाद एक और बंदा आया, उसने बोला कि भाई इतने रन बनाता है, कम से कम बैट तो सही तरीके से पकड़ा कर। तो उसने मुझे टिप्स दी बैट पकड़ने की, मैंने उसकी भी बात बहुत गौर से सुनी और उस पर काम करना स्टार्ट किया। अगले दिन एक और बंदा मेरे पास आया, बोला भाई हेड तो अपना सही कर बैटिंग करते हुए। तो उसकी बातें भी बहुत ध्यान से सुनने लगा, पूरा दिमाग कन्फ्यूज हो गया कि इतनी गलती मैं कर कैसे रहा हूँ। जो मैं मैच में रन कर रहा था वो भी आने बंद हो गए, नेट्स में बैट पे बॉल लगना बंद हो गया। फिर बैट के बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा कि इतनी अच्छी बैटिंग हो रही थी, तेरी बैटिंग को हो क्या गया। पुराना दोस्त आकर पूछा, मैंने उसको पूरी कहानी बताई, तो उसने बताया कि अगर तेरी बैटिंग में इतनी गलती थी तो तूने ये 100 और 50 कैसे बनाई। तो हमेशा एडवाइस उनकी लो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो।